नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमानी आदित्य सिंह और आज मेरे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और AICC के सदस्य तस्लीमुद्दीन। ये अपने व्यवहार के वजह से लोगों में गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं और 3 दशकों से पार्षद भी रह चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं तस्लीमुद्दीन से। आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए आपका। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जब आपने राजनीति में कदम रखा था और आज की राजनीति, दोनों में कितना अंतर पाते हैं आप? देखिए, उस समय की राजनीति में आदमी राजनीति में, चाहे वो नेता हो चाहे वो आम जनता हो, तो दोनों का एक मकसद होता रहा कि हम किसी काम को करें। नेताओं का एक सोच होती थी कि हम समाज सेवा के लिए आए हैं, हम समाज सेवा कर रहे हैं, और जनता भी हम उसी तरीके से नेताओं के साथ व्यवहार करती थी। तो उसमें आज की राजनीति में जरूर काफ़ी फर्क है। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, सब देख ही रहे हैं। तो सर यही तो जानना चाहते कि फ़र्क क्या है। फ़र्क ये हुआ है कि उस समय बताया ना कि उस समय की राजनीति नेता मानव सेवा को ही मान करके चलते थे कि हम सेवा करने जा रहे हैं, और जनता भी हमको उसी तरीके से उसका सहयोग मिलता था कि हमारे नेताजी कभी कोई काम कर देते थे तो उसको बड़ा पूरा परिवार बड़ा सराहता था कि हाँ, हमारे नेताजी ने हमारा काम किया है। तो जनता को ये एक अपना उसको स्वार्थ कहिए या वो कहा जाए कि वो उनका सिर्फ केवल अब काम से उनको मतलब होता था कि हमारा काम हो जाए। यानी कि पहले जो राजनीति थी वो जन भागीदारी के लिए होती थी, जनता के लिए होती थी, और अब स्वार्थ के लिए। हाँ, स्वार्थ की राजनीति हो रही है जी। और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से समाज और दुनिया चल रही है जी। ऊपर वाला भी उसको देख रहा है, अगर अच्छे लोग हैं तभी दुनिया चल रही है जी। ये तो बात आपने सही कही। तो हम आपसे फिर अगला क्वेश्चन यही करेंगे कि आप जितने समय से पार्षद हैं, या यूँ कहे कि 30 साल से आप पार्षद हैं, और 30 साल से ही सत्ता से गायब है कांग्रेस, यूपी के सत्ता से, तो आप क्या कहेंगे, क्या समस्याएं हैं? देखिए, 89 से जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई है, तो मैं समझता हूँ कि यूपी में जातवाद की राजनीति ज़्यादा प्रभावी कर गई। फिर कहीं पर स्वार्थ में धर्म को भी जोड़ दिया गया, तो जबकि मेरा मानना है कि राजनीति में धर्म को जात को नहीं जोड़ना चाहिए। अगर डॉक्टर किसी का इलाज करता है तो वो ये नहीं पूछता कि आप किस धर्म के हैं, किस जात के हैं। उसका एक मकसद होता है कि हमारे पास जो मरीज आया वो अच्छा होकर जाए। तो हम लोग भी ये सोचते हैं कि समाज में जो हमारी हमको जिम्मेदारी आम जनता ने दी है, हम उसको पूरी तरह से हम उसके काम आए, उसको हम खड़े उतरे जनता की। तो आपने बात करी कि राजनीति में जब से 89 से कांग्रेस यूपी से गई है, लेकिन जब से मैं जानती हूँ शुरू से ही तुष्टिकरण की राजनीति होती रही है। ऐसा जरूरी तो है नहीं कि 89 से जब से कांग्रेस गई है तब से ही ये राजनीति शुरू, या धर्म या जाति आधारित, उससे पहले भी था और आज भी है। उससे पहले आपको याद होगा, उससे पहले ऐसा नहीं था जी। उसके पहले क्षेत्रीय पार्टियां नहीं थी, उसके पहले काम होता था, और उसके पहले इस तरह की भावना राजनेताओं में नहीं हुआ करती थी, ना पार्टियों में हुआ करती थी। पार्टी ये नहीं देखा करती थी कि हम इस जात को देंगे तो। तो आपने जैसे कहा, तो इंदिरा गांधी के समय में सबसे ज्यादा भुजबल और बाहुबल का प्रयोग हुआ था, और कहीं ना कहीं समाज तब भी नहीं इसको बटी हुई थी धर्म और जाति पर। ऐसा नहीं था इंदिरा जी के टाइम में, इसके पहले देखिए तमाम देश आज़ादी के बाद से, जब देश आज़ाद हुआ था 1952 में, जब जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री हुए, तो देश के हालात बहुत ख़राब थे। सब जानते हैं देश की आज़ादी के बाद हुआ था, 1952 में पहला चुनाव हुआ, और उसके बाद जवाहरलाल जी के बाद जब एक देश में एक क्रांति आई, देश में देश को एक कमज़ोर स्थिति में उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद मिला था, तो उसके बाद से देश में लोगों में बड़ा उत्साह था कि हम कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई, तो उस पर देश की जनता को बड़ा गर्व था।
और जनता हम पार्टी हमारी पार्टी पर विश्वास करती थी कि कांग्रेस पार्टी के हम लोग हम कांग्रेस पार्टी के मानने वाले लोग हैं। आप पूरे देश में आप हमारे जिस भी जगह जहां भी आप जाएंगे कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको कांग्रेस का मानने वाले लोग आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि इंदिरा जी का जहां तक सवाल है तो इंदिरा जी तो फॉरन के मुल्क में आप अमेरिका जैसे मुल्क उनको तो ज़माने में शेरनी कहा करता था कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा जी शेरनी है। ऐसा नहीं था वो और वो मानव सेवा को लेकर इंदिरा जी दूरदृष्टा की बात करती थी कि हमको 5 साल अपनी सरकार को किस तरह चलाना और 5 साल की हमारे यहाँ योजना जो बनती थी वो 5 साल के लिए योजना बनाई जाती थी। तो अभी आपने कहा कि इंदिरा जी मानव के लिए काम करती थी और कांग्रेस जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर 89 तक कहा जा सकता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। तब क्षेत्रीय पार्टियां भी उतने अस्तित्व में नहीं थी। तो आज क्या ऐसा है किसी भी संगठन को उठाने में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता ही काम आते हैं, उन्हीं के बल पे कोई संगठन चलती है। आज जब बात आती है कांग्रेस की तो नेता तो बहुत हैं लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी किसी भी संगठन की रीढ़ होती है जी। किसी भी संगठन की रीढ़ होती है कि वो हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बल होता है आज की तारीख आप भी परिस्थितियां देख रहे हैं किन परिस्थिति से देश गुजर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कितनी कुर्बानी दिया, इंदिरा जी की भी हत्या हुई, राजीव जी की भी हत्या हुई। अब देश उसको विषम परिस्थिति में नहीं समझ पा रहा है। कभी कभी एक समय आता है वो होएगा। तो सर यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक समय था जब जवाहरलाल नेहरू जी के समय में भी जब वो प्रधानमंत्री थे तो सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस था। एक समय आया कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा हुआ। हाँ, लेकिन आज ऐसा क्या समय आ गया है कि आज एक मजबूत नेतृत्व तक नहीं है कांग्रेस के पास? नहीं, मजबूत नेतृत्व है लेकिन सवाल ये कि कभी कभी जैसे वो होता है कि कभी एक लोगों के मन में विचार आता है कि हम बदलें और उस बदलने पर आप देखिए देश की स्थिति कहाँ चली जा रही है। क्षेत्रीय पार्टियां जातवाद पे धर्म के आधार पर लड़ाई करने, कांग्रेस की स्थिति है वो चाहे यूपी में हो चाहे केंद्र में हो तो इसको आप बदलाव देखते हैं? हम बदलाव देख रहे हैं। हाँ, लोग बदलाव चाहते हैं। अब लोगों के एहसास हो रहा है, अब लोग उस बात की तरफ आ रहे हैं। इससे बेहतर पार्टी तो कांग्रेस पार्टी थी जी। तो अब लोगों में अगर यह विश्वास जागने लगा है और मैं समझता हूँ कि समय आने पर उसका जनता का जवाब दे। तो सर अगर ये बात है तो फिर अभी तो बिहार में इलेक्शन हुआ और आपकी गठबंधन थी और रिजल्ट क्या है ये आप भी जानते हैं, तो इस पर फिर आप क्या कहेंगे? इस पर ये कहने की बात नहीं, आप भी जानते हैं, आप लोग तो मीडिया भरी बात जानते हैं कि क्या हुआ है वहाँ। हाँ। हम जीत रहे थे चुनाव, उसके बाद हमारे प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। कुछ परिस्थितियां आई ऐसी जिसकी वजह से ये हालात हुए। ऐसा नहीं था, हम चुनाव वहाँ अच्छे लड़े हैं और चुनाव हमने वहाँ जीता है। अब क्या परिस्थिति हुई आप लोग भी इसको भली भांति जानते हैं। तो क्या परिस्थितियाँ हुई? अब जो भी हुआ है उसको देख लीजिए, सब मीडिया जानता, पूरा देश जान रहा है क्या हुआ। आप ही बताइए ना। नहीं, मैं तो बताऊंगा। आप तो AICC के सदस्य हैं, इसलिए आपकी आपको ज्यादा ये जानकारी है। आप ही हमें बताते तभी हम जानते हैं। तो वही हम आपसे जानना चाहते हैं कि हुआ क्या होगा वहाँ। असल में हुआ जो है वो आप भी जानती हैं और पूरा देश जानता है। उसको मेरे कहने की बात नहीं, आप मीडिया वाले खूब भली बात जानते हैं कि क्या वहाँ किया गया है। भाई हमारे प्रत्याशियों को जिनको चुनाव जीत गए उनको प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, परिस्थितियां वहां दूसरी हो गई। तो आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं? हाँ, इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठा रहा हूँ। या फिर ईवीएम हैकिंग फिर से? ईवीएम हैकिंग, अब ईवीएम हैकिंग के लिए तो पूरा देश अब एक विपक्ष तैयार हो रहा है, उसको देखेंगे। हम तो चाहते हैं कि अगर बैलेट पेपर से ही चुनाव हो तो बेहतर है, और नहीं तो अगर ईवीएम हो रहा तो ईवीएम की भी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, उस पर भी हम लोग। तो सर जितना आप लोग ईवीएम की लड़ाई कहते हैं या फिर विपक्ष की लड़ाई, आप लोग खुद क्यों नहीं एक बार मंथन कर लेते? कांग्रेस में मंथन क्यों नहीं हो पाती? मंथन हो रहा है, मंथन हो रहा। ऐसा नहीं कि मंथन हो रहा, हमारे
नेतृत्व पर जो AICC है वो लोग सब देख रहे हैं, हमारा नेतृत्व देख रहा है, AICC में सब लोग लगे हुए हैं। अब इस पर ही मंथन हो रहा है कि किस तरह से हमको आगे की रणनीति, अभी बंगाल चुनाव है, UP का चुनाव है, हम लोग उस पर अच्छे से तैयारी हो रही है। तो अगर बात करी जाए प्रियंका गांधी की, क्योंकि वो यूपी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं यूपी की, लेकिन एक शब्द है सेलेक्टिज्म, और प्रियंका गांधी कई बार सिर्फ सेलेक्टिव राजनीति करती हुई दिखती हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे अब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं और यूपी की प्रभारी माननीय प्रियंका जी हैं, जो अभी वो देख रही हैं संगठन को अच्छे तरीके से, वो मजबूती से ला रही हैं। जब से आए देखिए, हर जगह कांग्रेस पार्टी, आप कहीं भी हो, किसी भी मुद्दे को प्रियंका जी जाते हैं, राहुल जी जा रहे हैं, जनता के बीच में जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, उसमें कहीं से कोई भी कहीं पर भी किसी टी का सवाल नहीं कि कांग्रेस पार्टी जो कहेगी वो उसको करती है। तो क्या 2022 में प्रियंका जी सक्रिय रहेंगे? हाँ, प्रियंका जी सक्रिय रहेंगे और भी संगठन लोग प्रियंका जी को रहेंगी। आज भी प्रियंका जी कर रही हैं, उनका ये मानना है कि हमारे जो ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाया है, वो पुनः वो चाहती हैं कि किस तरीके से जो आज देश में ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, इसको किसी तरह समाप्त किया जाए। हमारी पार्टी भेदभाव की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खुले मन से राजनीति करती है, ना वो कभी देखिए धर्म की बात करती है, ना कभी वो जात की बात करती है। तो सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है और हम इसी चीज़ को, यही हमारा मुद्दा रहता है। तो 2022 का जो चुनाव होगा उसमें आपका फिर मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा तो जनहित में जो मुद्दा रहेगा, जनहित की लड़ाई के लिए जनता के जो मुद्दे रहेंगे हम उसको लेके चलते हैं। जैसे तमाम मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे जो आम जनता के मुद्दे हैं, हम उसको लेके चलते हैं। अच्छा। जैसी परिस्थिति आती है हम उस पर, आप देख रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष भी सब जगह जा रहे हैं, कहीं भी जो यूपी के हालात हैं आपसे छिपा नहीं, आप देख रहे हैं कि यूपी के क्या हालात हैं, देश में क्या हालत है हो रही है। अभी कभी समय आता है तो आदमी को उसको नज़रअंदाज करते हैं कि भाई ठीक है, जो पार्टी कर इसने भी किया, कांग्रेस पार्टी को भी देखा, जो छोटी पार्टी यूपी में थी उनको भी देखा, आज इनको भी देखा जा रहा है। अब लोग बदलाव चाहते हैं कि नहीं भाई, इससे बेहतर पार्टी तो कांग्रेस पार्टी थी। तो अब थोड़ा प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो आप 30 सालों से पार्षद हैं और महापौर के चुनाव में कांग्रेस अच्छा करती है, तो आप महापौर के लिए क्यों नहीं गए, अभी मन क्यों नहीं बनाया? नहीं, महापौर के लिए नहीं बनाया, असल में परिस्थिति ये थी कि हम ऊपर MLA लड़ना चाहते थे, तो इसलिए नहीं हुआ। टिकट भी हुआ हमारा दो बार और टिकट कट गया, तो एक बार गठबंधन में हो गया, दूसरी बार और किसी परिस्थिति से कट गया। तो मैं तो इलाहाबाद में बहुत सीनियर हूँ। तो क्या आप ये मानेंगे कि पैरासूट कैंडिडेट्स ने आपका? नहीं, अब नहीं आएगा, अब तो हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं कि जो पार्टी, जो स्थानीय लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको टिकट दिया जाए। तो इस बार कोई पैरासूट कैंडिडेट के नाम पे ऋचा सिंह या फिर मोहम्मद कैफ जैसा कैंडिडेट इस बार नहीं आएगा? नहीं आना चाहिए पार्टी, अगर इसी वजह से तो गठबंधन में भी हमारा नुकसान। जब हम लोग यूपी में 2017 में 27 साल यूपी बिहार बेहाल का चुनाव लड़ रहे थे, लोग उसी मुद्दे पे तो जा रहे थे। अच्छा। लेकिन बाद में ऐसी परिस्थिति आई कि वो गठबंधन हो गया, समाजवादी से हमारा गठबंधन हुआ। जब समाजवादी गठबंधन, उसमें कुछ लोगों को टिकट भी नहीं मिल पाया, उसमें हमारी पार्टी को नुकसान नहीं, हम उससे बेहतर हमारा प्रदर्शन होता। 2017 में हमारे नेतृत्व से थोड़ी सी भूल हुई, वो जो गलत हो गया, तो हमारा गठबंधन उस समय, क्योंकि हम वो लड़ाई लड़ रहे थे उनके खिलाफ कि जो 27 साल यूपी बिहार है, तो वो फिर बाद में गठबंधन हुआ तो जनता ने हमको भी नकार दिया। तो क्या गठबंधन से आपको नुकसान हुआ? हाँ। ये आप कह रहे हैं? हाँ, और जिसके साथ आप गठबंधन किए थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हमें नुकसान? नहीं, हमारा नुकसान हुआ, उनको तो वो तो जानते थे इस बार उनको नुकसान होना है। अच्छा। लेकिन हमारा जाने से हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ, हमारे कार्यकर्ता टूट गए, हमारे नेता सब। तो आप तो AICC के सदस्य थे, तो इस चीज़ को तो आपको भाग जाना चाहिए था। नहीं,
कहा था, लेकिन जब नेतृत्व ने किसी चीज़ को तय कर दिया तो फिर उस पर ये हुआ कि भाई ठीक है, पार्टी ने जो तय कर लिया, हम लोग को यही तो हम लोगों के यहाँ पर, अगर पार्टी ने किसी चीज़ का निर्णय ले लिया तो वो पार्टी से ऊपर ही हम उसको मानते हैं कि पार्टी ने होगा। तो 2022 में आप फिर से गठबंधन के साथ आएंगे या अपने दम पे? नहीं, अब तो अपने दम पे चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूरे सीटों पर चुनाव अपने दम पे, यानी इस बार कोई गठबंधन नहीं? कोई गठबंधन, छोटी पार्टियां अगर कुछ होती हैं जो हमको सहयोग करती हैं और वो सेकुलर दल है तो हम उसको अपने साथ लाएंगे। तो शहर पश्चिमी में जो नेता हैं वो तो काफ़ी गद्दावर हैं और विकास भी हो रहा है, तो आपको क्या लगता है विकास के पैमाने पे वो खरे उतर रहे हैं? ठीक है, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, और अच्छा करें काम। जन नेता हैं तो हम तो वो समय बताएगा ना कि जनता किसके साथ है। यानी आप 2022 का वेट करेंगे? हाँ, 2022 का वेट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि विकास में और क्या क्या चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं? देखिए, शहर के मुद्दे तमाम समय समय पर आते रहते हैं, वो 22 आते आते किन मुद्दों पे हमको लड़ाई लड़नी है वो हम पार्टी हमारी देखेगी, हम लोग लोकल स्तर पर भी देखा जाएगा। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्या होगा उस समय आने पर, किन मुद्दों पर हमको चुनाव में जाना है निर्णय करेंगे, और उसके बाद लोकल मुद्दों पर हमको क्या करना है वो हम लोग उस तरह से करेंगे। तो आप जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को संदेश देंगे कि आप बेहतर, कांग्रेस पार्टी आपके साथ हमेशा रही है, आपके पूर्वज हम लोग वोट दिया करते रहे कांग्रेस को, कोई तो वजह रही होगी कांग्रेस से आज 70 साल कांग्रेस ने देश को चलाया है। आपका संदेश यही रहेगा 2022 का कि जनता फिर से एक बार कांग्रेस को चुने? हाँ, हम तो चाहते हैं जनता से बदलाव लाए, जनता ने देख लिया है सबको देखा, भाजपा को भी देखा, सपा को भी देखा और बसपा को भी देख लिया, सभी दलों को देख लिया, कांग्रेस पुनः आपके बीच, कांग्रेस पार्टी अगर आएगी तो आज का नौजवान वो उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी कि कांग्रेस पार्टी आई है, हम अब हमारा भला होगा जी। हम तो तमाम मुद्दों पे देखते हैं, उनकी जीविका कैसे चलेगी, उनको नौकरी कैसे मिलेगी, उनका विकास कैसे होगा, और कांग्रेस पार्टी देती नहीं तो तमाम 70 साल तक कांग्रेस ने चलाया है तो कुछ देश को दिया है। उस समय क्या था, सुई भी हमारे यहाँ नहीं बनती थी, 1952 के बाद ना हमारे पास टैंक थे ना हमारे पास कुछ थे, हम ही ने बनाया है ना सब जी। अब दूसरे लोग क्या कह रहे हैं वो उनकी अपना जनता भी देख रही है वो क्या कह रहे हैं, और आने दीजिए समय, समय का इंतजार है कि अब जनता, मैं समझता हूँ जनता खुद उत्साहित है, जनता इंतजार कर रही कि हमको समय आए तो हम। आप हमारे टॉक शो में आए और हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे तस्लीमुद्दीन, जिन्होंने हमसे बात की कांग्रेस के बारे में, क्यों कांग्रेस 30 साल से सत्ता से बाहर है और 2022 में इनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या ये जो 30 साल से सत्ता से बाहर है ये बदलाव है या नहीं, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा 2022 में। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त।